अपनी अपनी श्रद्धा है। तीन भाई हम लोग लगे हैं, तीनों ही इंजीनियर है, फुल टाइम लगे होते हैं इसके अंदर, दिन रात काम करते हैं। तो 10 लाख से ऊपर पर मंथ हम अर्न कर लेते हैं, और अगर अच्छा साल गया तो 2 करोड़ के आसपास हम टच कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसे हरित क्रांति बोलते हैं, और 50 सालों में हमारी स्थिति साहब ये हो गई। तो क्या वापस से उसी स्थिति में जा सकते हैं? थोड़ा आपस में बातचीत करेंगे, अच्छा लगता है ना? जा सकते हैं, बड़े पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग हैं, हम जा सकते हैं। और आप लोगों ने इस कारनामे को पहले भी कर दिखाया है। एक छोटा सा उदाहरण देने से क्या होता है कि आदमी को समझ में आ जाता है कि आपके अंदर क्या ऊर्जा है। 2013-14 की बात है, एक इंडस्ट्री का जन्म हुआ, क्रिप्टो करेंसी, आप लोगों ने सुना है क्या? पंजाब का तो काफी पैसा लगा हुआ है, है ना? आज क्या स्थिति है इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की? नंबर एक पे कौन है? हिंदुस्तान है आज नंबर एक पे। 2013-14 में कोई नहीं जानता था, आज हिंदुस्तान नंबर एक पे है। साहब किसने सिखाया? किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुआ गया? कोई प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने बताया? किसने बताया? और हिंदुस्तान को एक नंबर पे किसने पहुंचाया? आप खुद बोल सकते हैं कि हमने पहुंचाया। बिल्कुल, माउथ पब्लिसिटी इस इंडस्ट्री के लोगों ने पहुंचाया, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इतने मतलब प्रतिभावान लोग हैं कि जहां जिस काम पे एक बार लग जाते हैं तो अंजाम तक पहुंचा के ला देते। तो साहब मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के लोगों का अगर एनर्जी का अपनी श्रद्धा है। तीन भाई हम लोग लगे हैं, तीनों ही इंजीनियर है, फुल टाइम लगे होते हैं इसके अंदर, दिन रात काम करते हैं। तो 10 लाख से ऊपर पर मंथ हम अर्न कर लेते हैं, और अगर अच्छा साल गया तो 2 करोड़ के आसपास हम टच कर लेते हैं।